दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। जब सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई हमारे शरीर साहब से, तो इनके बारे में मुझे किसी ने पहले एक बात बताया था, मैं सोचा मैं इनसे कंफर्म कर लूं, तो इन्होंने बाद में मुझे बताया कि हाँ वो सही बात है। बहुत पहले की बात है, जब ये कुछ ज्यादा जवान हुआ करते थे, अभी बुरे नहीं है, अभी जवान नहीं है, तो आपको शायद विश्वास करो, ये एक बार हैदराबाद से विशाखापट्टनम या उड़ीसा ट्रेन से है और रास्ते में इन्होंने कलकत्ता है, हैदराबाद से कलकत्ता, इनको था कि ट्रेन में कुछ गंदा चीज ना खा ले, इन्फेक्शन ना हो जाए, इस डर से इस बॉम्ब से ये कुछ खाना नहीं खा रहे थे। तो क्या खाए हैदराबाद से कलकत्ता के जर्नी में? 100 अंडे। आप सोचिए, यही नहीं एक और बात इनके बारे में बताना चाहता हूँ, कितने हजार किलोमीटर साइकिल चलाया, 2,00,000 किलोमीटर साइकिल चलाया, आप सोच सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जुनून अंदर हो, जब अंदर एक काम करने का एक जज्बा हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, वक्त जैसा कि हमने कल में सुना कि हजारों एकड़ जमीन मैं डाल देता हूँ आने वाले 10 वर्ष के लिए बचा कर रखा गया है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हिंदुस्तान हम लोग एक बहुत ओवर पॉपुलेशन कंट्री है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जमीन के ऊपर प्रेशर हमेशा बहुत ज्यादा रह रहे हैं, और ऐसे हालात में अगर वक्फ बोर्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन जमीन बचा कर रख रही है तो ये बहुत बड़ी चीज है, और मैं कहता हूँ ये नेशन बिल्डिंग का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इसके लिए तमाम बोर्ड के सभी जो अफसरान हैं, सलीम साहब के लीडरशिप में, हमारे शहनवाज साहब के साथ जो काम कर रहे हैं, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज जो आप यहाँ बुलाकर हमारे लिए हमारे हौसला अफजाई किए हैं, ये मैं हैदराबाद सिटी पुलिस के तमाम मजीद भाई और सबको बड़ी बात तो यह है कि सिराज साहब और जो प्रेसिडेंट है इसका भी कल्चर सेंटर के दो बार सलमान मुर्शी साहब को हराए, जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, फिर केरला के गवर्नर को भी हराए एक बार, और 18 साल से इंडिया इस्लामिक कल्चर के सेंटर है, मतलब कोई माफ नहीं मांगती है, दिल्ली में हर पार्टी के लोग वहां पर आकर टच करते हैं, मतलब कोई पार्टी से आज तक मेंबर नहीं बने हो, कोई पार्टी से मगर केजरीवाल साहब के बारे में जानना बहुत अच्छी राय रखते हैं, और केजरीवाल साहब आज हमारे ऐसे सीएम है इंडिया में, सब लोग सेक्युलर बोलते हैं मगर सेक्युलर कोई नहीं है, सिर्फ आपने जिस तरीके से कोई जाने को भी आपने बनाने की कोशिश की,
कारोबार के लिए आपने कोशिश की, उसके लिए आप मुस्तैदी से मुबारकबाद करें। तमाम हिंदुस्तान से जिसको देश के लोग आए हुए हैं, हमारे सिटी जनरल भी बैठे हैं, मजीद साहब भी यहाँ पे, इसके अलावा बहुत सारे जो लोग उधर आए हुए हैं, बहुत सारे उम्मीदवार आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे रिश्तेदार भी आए हुए हैं यूं के भी, मैं आप सबका आभार करता हूँ। अभी मैं उससे ज़्यादा लोग को यही करना चाहता जो कुछ सब तो पहले या काम लेने पहले खासतौर पर हैदराबाद में जो कबरत अभी फैली, मैं बिरादरी के लोगों से दो तीन बातें इस बारे में कहना चाहता हूँ। लेकिन तंजीम तोड़ने के लिए लोगों ने हमेशा कोशिश की, आज आपकी तंजीम को उठाने साल होने वाले हैं, अगर दो साल के बाद ये बहुत सारे कटेगी और सेंचुरी हो जाएगी। लेकिन जब भी बिरादरी को तोड़ने की कोशिश की गई, जब भी जमीन को तोड़ने की कोशिश की गई,